चलिए आप लोग दिखाते हैं कैसे खाली कर रहा है। कन्नी को चम्मुक है, इतनी सा चम्मुक है, उसी से खाली कर रहा है। तो सुबह से 10 बार गया हूँ तो एक बार सुपरवाइजर मिला है, लूट इसने मिल गया है। तो ये इस बार लूट होगा सीट, थोड़ा सीट है ना, भारी माल होता है। कुछ रास्ता करके आते हैं, नहीं तो फिर भूखे प्यासे फिर पड़ा सा होगा नहीं। ऊपर का ये रास्ता मारने में रिक्स है, समझ गए, हल्का सा मिस हुआ के बाद आप नीचे गिर जाइएगा, तो बहुत ध्यान से रस्सी मारना पड़ता है पसीना से। और देखिए पसीना मंचूरियन जैसा लग रहा है। आज गाड़ी लोड भी किए और गाड़ी भी चलाए और गाड़ी का थेपाड़ा सा भी किए, थोड़ा शरीर थक गया है और नींद बहुत भयंकर आ रहा है। नमस्कार भाई लोग, कैसे आप सभी? आप सभी भाई को हमारे नुगलों में फिर से स्वागत है। और आपका भाई अभी कंपनी के अंदर में हूँ, रात को कल घुसे थे और अभी तक गाड़ी खाली नहीं किया है। और अभी टाइम है लोग 5 बज गया है और अभी गाड़ी लगाया और लूडिंग में, अभी देखिए गाड़ी के हिला रहा है पूरा, गाड़ी खाली कर रहा है। चलिए आप लोग दिखाते हैं कैसे खाली कर रहा है। कन्नी को चम्मुक है, इतनी सा चम्मुक है, उसी से खाली कर रहा है। तो उसमें टाइम लगेगा खाली करने में, बड़ा परेशानी कंपनी में जी बाप। देखिए गाड़ी खाली हो रहा है, कहाँ पे देखिए सामने में खाली हो रहा है। अब सुबह से कुछ खाए नहीं है, चलते हैं नाश्ता कर। नाश्ता हेलो, अभी आपका भाई किटिंग में आए थे, अभी नाश्ता बन ही रहा है, समोसा बनने में 20 मिनट लगेगा। चलिए खा लेते हैं छेना पूना। छेना पूना देखिए दूध का बनता है, खाने बहुत महंगा है, 40 रुपये 100 है। चलिए खाते हैं। हाँ बहुत अच्छा बनाया हुआ है। आ गया समोसा, 10 मिनट में बन गए गरम गरम चटनी के साथ, 20 रुपये का 3 अच्छा है। ले लिया हूँ अमूल कूल, गर्मी बहुत है, पीते हैं। चलते हैं जाकर देखते हैं खाली करेगा, खाली किया कि नहीं। चलिए आधा घंटा तो हो गया है, देखते हैं। हेलो हेलो, अभी टाइम बज चुका है 9:30 और भाई का गाड़ी देखिए अभी खाली किया है, बड़ा परेशानी हुआ जी। 24 घंटा में गाड़ी खाली किया है, ऐसा कंपनी है लफंदर कंपनी, कभी नहीं आऊँगा यहाँ पर, यहाँ से माल था नहीं भरेंगे, बहुत परेशानी किया है। चलते हैं जिंदल में, ड्यू हो गया है। चलिए बोलो अभी ना यहाँ पर कटा देखिए अभी बंद है, वो साहब लोग कटा वाले गए खाना खाने, बोले 10-20 मिनट में आएंगे। चलिए जाकर खाना खा लेते कैंटीन में, सामने ही कैंटीन है। और देखिए 70 रुपये का ही खाना है, 2 रोटी चावल छोले भिंडी का भुजिया दाल 70 रुपया। हेलो हेलो, आपका भाई का गाड़ी वजन हो गया है और देखिए माल 100 किलो ज़्यादा हो गया है। तो ये कंपनी वाला इतना सियाना है, देखिए 100 किलो ज़्यादा हो गया है ना, तो इसमें लिखा नहीं है, तो रिसीव मिल गया। देखिए आपका भाई अभी गेट पे मैं आया हूँ, देखिए कब तक गाड़ी को साट कर रखा है, इस कंपनी में बहुत लफड़ाबाजी है। तो अभी कैंटीन में खाना खाए थे ना, तो ड्राइवर को देख कर 70 रुपया लिया है, 20 रुपया ज़्यादा लिया है, और वहाँ का लोकल आदमी से लिया है 50 रुपया। चलो भाई ड्राइवर के ना हर एक जगह पैसा लूटा जाता है, समझे। चलिए क्या कीजिए, देखिए पसीना आपका भाई का डी हो गया है जिंदल, तो चलते हैं झारसुगड़ा। नमस्कार भाई लोग, कैसे आप सभी? और आपका भाई सुबह सुबह उड़ गया हूँ और अभी टाइम बज गया है 8:30, तो अभी जाकर नहा लिए मस्त से, सामने नल लगा हुआ है, तो नहा हुआ एकदम खूब मस्ती से नहा लिए। अभी टाइम 9 ना, वो टसपोटर लोग आएंगे तो फिर डी ओ काटेंगे, फिर पर्ची जमा होगा, फिर डी ओ होगा, फिर जाएंगे, फिर वहाँ पर ये हो, बहुत यहाँ टेंशन है। जिंदल में जो भाई लोग आए होंगे उनको पता होगा कितना परेशानी है। तो देखिए आपका भाई जाकर नाश्ता ले आए सुबह सुबह, भूख लग गया है, देखिए लिट्टी, लिट्टी लेने के लिए आपका भाई आधा घंटा गाड़ी में रहा हूँ तब मुझे 3 लिट्टी मिला है, क्योंकि अकेला आदमी बेचने वाला है, ड्राइवर वालों का लाइन लगा हुआ है, समझे, नहीं भी तो महीना का 1,00,000 रुपया वो कमाता होगा, ज़्यादा ही कमाता होगा, इतना बिक्री है। 3 लिट्टी 30 रुपये का दिया है, ठीक है अच्छा है। और ये देखिए जूस ले लिया हूँ गन्ने का, खाली बर्फ़ डाल दिया जी, बोले बर्फ़ कम देना भाई, बर्फ़ हम नहीं पीते हैं खाते हैं, खाली बर्फ़ ही डाल दिया है। लिट्टी चोखा अभी खा कर चलते हैं ट्रांसपोर्ट में। आपका भाई नाश्ता तो कर लिए, अभी चलते हैं परीक्षा देने, एग्जाम है। देखिए कितना पेपर है, इतना पेपर मुझे अभी पेपर को क्लियर करना है, समझे,
तो देख रहा हूँ कौन कौन अभी पेपर रिजल्ट में आएगा, पेपर उसी को ले जाना है। हेलो हेलो, अभी टाइम बच चुका है 12 बजने वाला है। क्या कर, अभी तक ड्यू दिया नहीं, लूडी स्लिप दिया नहीं है, 1 घंटा हो गया जमा किया हुआ और देखिए अभी तक दिया नहीं है। वो तो क्या कर रहे, बैठे हुए थे, सोचे कैंटीन में खाएंगे, तो कैंटीन का खाना अच्छा रहता है, चावल कैसा चावल देता है, पानी दाल इन्ने पानी इन्ने, खाना अच्छा नहीं खिलाता है जी, पैसा लेता है बाकी खाना अच्छा नहीं खिलाते हैं। तो क्या कीजिएगा, तो खाना बना लेते हैं। तो क्या करें, अपने पास आज दाल भात चोखा बनाने का मन था, तो देखिए स्वीटी, नया नया नाम सुनने को मिल रहा है, कहेंगे स्वीटी बोलता है इसको तो स्वीटी बना रहे हैं। आलू और 4 टमाटर सिर्फ अभी भर के लिए बनाएंगे, रात को नहीं, रात को उधर कैंटीन में खा लेंगे। चलिए खाना खा लेते हैं, लंच के बाद ही कुछ मिलेगा। अब चलिए खाते हैं, बना लिए है सब्जी चावल। क्या करें, यहाँ होटल में खाने में मजा नहीं आता, कैंटीन में उल्टा पुल्टा खाना खिलाता है, समझे कि नहीं, साफ सुथरा कोई खाना नहीं रहता है, खाना को ग्रहण करते हैं। बहुत गर्म है जी, वाह, ओहो, 1:20 हो गया है। चलिए देखिए आपका भाई का ड्यू हो गया है, लूडी स्लिप मिल गया है, तो ये इस बार लोड होगा सीट, CRCA में जाना है, तो देखा हुआ है मुझे, पाइप लोड नहीं होगा, पाइप का थोड़ा फालतू वाला माल है, लफड़ा माल है, उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, बूटी बूटी फैल जाता है। हा महादेव, जय भोलेनाथ, हरे गर्मी, अरे दादा रे, अब यहाँ गेट पे थोड़ा लफड़ा होगा, जूता उत्ता पहनना होगा, टोपी उपी लगाना होगा। आपका भाई गेट पे आ चुका है, गाड़ी के लाइन बहुत लंबा लगा हुआ जी। चलिए जूते उतर पहन के रेडी हो जाते हैं, क्योंकि जूते उतर नहीं पहनेंगे तो हेलमेट जब तक हो ना ये ड्यू नहीं लेगा, ड्यूटी स्लिप। हेलो भाई लोग, अभी टाइम बच चुका है 3:30 और अभी गाड़ी घुसा है, तो लग गया 2.5 घंटा गाड़ी को अंदर घुसने में। तो देखिए अभी काटा के लाइन में लगा हूँ, देखिए सामने में काटा होगा, सामने लाइन में ठहरा हूँ, तो बस 20 मिनट में काटा हो जाएगा। स्पीड मीटर लगा हुआ है, देखिए 18, 20, 15, देखिए 20 से ऊपर जाएगा तो फिर लाल बढ़ जाएगा, समझे, तो स्पीड मीटर अभी नया नया लगा है, अच्छा है। हेलो भाई लोग, भाई आ गया लूडी बार में, चलते हैं अंदर ऑफिस में, इसको जमा कर दिखाने, वो देखेंगे तभी मामूल देखेंगे कहाँ से लोडिंग होगा, तो अंदर में जाना होगा, चलिए चलते हैं। देखिए यही लोडिंग पॉइंट है, यही माल सब जाएगा, सीट एक भी गाड़ी नहीं है, देखिए एक भी गाड़ी नहीं है, पूरा फाका है, तो आपका भाई का ही गाड़ी है, तो आपका भाई का लोडिंग हो जाएगा। एंट्री हो गया है, अब एसी में गया तो पूरा सीट ठंडा हो गया, एसी से बाहर निकले पूरा धाम मार रहा है एसी एसी होता है जी। हेलो हेलो, आपका भाई गाड़ी लोडिंग हो गया, अभी टाइम बज गया 6:00, देखिए गाड़ी लोड हुआ है, अभी इसका मुझे जालीली मारना होगा, देखिए इसको अभी माल के बांधेगा, इसको ना माल सबको बांधेगा, उसके बाद मुझे जाली मारना होगा, रास्ते पर मारना होगा। चलिए अभी टाइम बज गया 6, चलते हैं कुछ रास्ता करके आते हैं, नहीं तो फिर भूखे प्यासे कृपा सा होगा नहीं। चलिए इधर बैठे हुए हैं घास पे, क्योंकि अभी देखिए गाड़ी के पास में आ गया हूँ, देखिए गाड़ी अंदर में लगा हुआ है, अभी जाके तेपाला सा मारेंगे तो पूरा पसीना से भीग जाएंगे, समझे, थोड़ा आराम कर लेते हैं, नाश्ता करके आए हैं, उसके बाद हार्ड वर्क करेंगे। गाड़ी अभी जाली मार रहा हूँ, जाली मार के फिर इस पर तेपाल दे के फिर इस पर 80 मारूंगा अभी अकेले जाली मारने में थोड़ा होता है, बहुत दिक्कत होता है जी, बहुत भीड़ लगता है। कैसा का भाई मार रहा है जाली,
ये दो आदमी का काम है, समझ गए, ये काम दो आदमी का काम है, अकेला बस के नहीं है भाई। आपका भाई टेक्निक से मार लेता हूँ। अभी बारिश हो रहा है ना, तो इसमें मैं क्या करूँगा, ये देखिए गुटका मेरे पास 6 गुटका है, और आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ, डाबा भाई लोग का काम आएगा, त्रिपाल कम जो होगा ना, देखिए ये जारी मार देना, तो इसके ऊपर ना अच्छे देंगे लकड़ी, नीचे में दे देंगे गुटका, ऊपर से देंगे पटरा, ऐसे दे देंगे पटरा, तो डाउनिंग बन जाएगा ना, तो इसमें पानी इसमें नहीं हरेगा, पानी इस पर नहीं हरेगा। तो आपका भाई का टेक्निक है, देसी जुगाड़ है, समझे, ये जारी मार रहा हूँ, इसके बाद त्रिपाल देंगे 3, एक कपड़ा का देंगे, 2 प्लास्टिक देंगे, बस मार के चलेंगे कटा करने। देखिए पसीना से पूरा भीग गए, देखते हैं, बड़ा परेशानी है जी, बड़ा मेहनत है, समझे कि नहीं, तो क्या कीजिएगा, आपको हर एक काम में मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए गया इसका अंदर पटरा, अब देखिए। हेलो भाई लोग, आपका भाई त्रिपाल सा मार लिए, और अभी टाइम बच गया है 9:30 बज गया है, 1 घंटा लगा मुझे त्रिपाल सा मारने में, देखते हैं पूरा पसीना से, और देखिए पसीना पूरा गंजी भीग गया है, क्योंकि भाई लोग ऊपर का रास्ता मारना बहुत डेंजरस है, समझिए, बहुत देख सुनूंगा मैं, पर हल्का सा पैर स्लिप मारा कि बस नीचे गिर जाइएगा, तो बहुत बहुत हिसाब से मारना पड़ता है। देखिए रास्ता मार लिया हूँ, कैसा मारा हूँ, 1 घंटा लगा मारने में। चलिए चलते हैं, अब 2 बार आ गए भाई, भाई साहब ने अंदर से ऑफिस में 2 बार आ गए, बोले भैया आपका चलान बन गया, जाइए कटा करने, चलते जाके रिसीव लेके आते हैं। हेलो भाई लोग, आपका भाई का गाड़ी का वजन हो गया है, और गाड़ी का वजन हुआ है, माल हुआ है 25 टन में 50 किलो कम गया है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए चलते, अभी टाइम बज गया 10:15, जाके देखते हैं कैंटीन में खुला है कि नहीं, खाना मिलता कि नहीं, क्योंकि भूख कस का लगा हुआ है, अभी काम किए ना पूरा रेल गए, इसलिए भूख लग गया है, रेल गए। चलिए देखिए सामने में कैंटीन है, पार्किंग है, ये सामने ही कैंटीन है, चलिए जाके देखते हैं खाना मिलता कि नहीं, नहीं तो फिर बंद हो जाएगा, फिर लफड़ा हो जाएगा जी। देखिए कैंटीन बंद हो गया है, तो यहाँ भाई लोग अपना दोस्त आ रहे हैं, बोले उससे आपको देखिए यहाँ पे मुझे मिल जा रहा है, पार्सल मैं करवा लेता हूँ, कैंटीन बंद हो गया है, टाइम हो गया बहुत, 10 बजे बंद हो जाता है, देखिए अंदर में आया हूँ लेने के लिए। हो क्या है भाई, रोटी है, चिल्ली है, तो भाई लोग से जहाँ बजाए उसने खाना मिल गया है, देखिए अचार दिए है, 40 रुपए लिए, कोई बात नहीं, ये रोटी है, एक टुकड़ा रोटी है, देखिए क्या क्या दिए है भाई साहब, चावल दे दिया बहुत, चावल के क्या करेंगे, फेंकेंगे नहीं, डाल देंगे पानी, फिर सुबह में पंता बाद खा लेंगे, कान को नहीं फेंकना चाहिए। क्या चीज है ये, सब्जी है, सोयाबीन का ना मंचूरियन उसको बनाया हुआ है, अच्छा लग रहा है खाने में, वाव। पेपर मिल जाएगा अभी 12-1 बजे तक, तो मेरा पेपर मिल जाएगा, तो आज आपका भाई का अंदर भी घुस गया, गाड़ी भी लूटिंग हो गया, आज निकल भी जाएगा, तो ये मार भरने से एक ही फायदा है, गाड़ी मार नहीं खाता है, अब पाइप में आते हैं तो 2 दिन लग जाता है निकलने में, कैश किस्त वाले काम होता है। I've never been exposed like this before. I'm good at shutting you out. I've always had a way of keeping closed. Beating, hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're fainting, I've been too much. Hello, hello, आपका भाई आ चुका है सुहिला, अभी टाइम बच चुका है 3:30 बजने वाला है, तो अपना भाई चले आए, गाड़ी चला दिया 150 किलोमीटर, वहाँ से निकले थे 12:30 बजे कंपनी से, देखते पॉइंट सही, थक गया है जी। चलो आज गाड़ी लोड भी किए, गाड़ी भी चलाए, और गाड़ी का थेपाड़ा सा भी किए, थोड़ा सही थक गया है, नींद बहुत भयंकर आ रहा है, चलो सोते हैं, देखिए सामान पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, हवा से उड़ के ना
वो एसी देखिए वो खोल दिए थे सामने वाला एसी, तो हवा आता है तो पूरा सब उड़ने लगता है, तो सब उड़ के सब बिखरा पड़ा हुआ है। बोलो अब बेडशीट भी बिछाते हैं, अब सोते हैं, अब करते हैं ब्लॉग के एंड, मिलता है बस नेक्स्ट ब्लॉग में। और भाई को ऐसी सपोर्ट करते रहिए, भाई को ऐसी प्यार बना रखिए। लव यू भाई लोग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद।